बीते दिन से मौसम बदल गया है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के राज्यों में मौसम ने करवट ली है। बारिश के साथ ठंडी हवाओं के असर से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई जगह ओलावृष्टि भी हुई। इस बीच मौसम विभाग ने आज दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत उत्तर भारत के राज्यों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना व्यक्त की है, क्योंकि आज भी मौसम ऐसा रहने वाला है और तूफान की भी आशंका है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में रात भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे ठंड बढ़ गई। कहीं हल्की बारिश हुई तो कहीं तेज बारिश हुई। उत्तर प्रदेश, हरियाणा में भी गरज के साथ तेज बारिश देखने को मिली। बारिश के कारण सड़कों पर कई जगह जलभराव हो गया। यूपी में कई जगहों पर ओले भी गिरे, तो वहीं राजस्थान के कई इलाकों में बारिश आफत बनकर आई। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत उत्तर भारत के राज्यों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में देर रात बारिश से मौसम और सर्द हो गया। आईएमडी के मुताबिक राजधानी में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं आईएमडी के मुताबिक यमुनानगर, कोसली, सोहाना, रेवाड़ी, पलवल, बावल, नू, औरंगाबाद, होडल, सहारनपुर, गंगोही, शामली, मुजफ्फरनगर, कांदला, खतौली, सकोटी, टांडा के दूर दराज के इलाकों और आसपास के क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के लगातार सक्रिय है। इसका असर मंगलवार तक रहने की उम्मीद है, यानी कि कल भी मौसम ऐसा ही रह सकता है। मौसम विभाग की सलाह है कि उन इलाकों में जाने से बचें जहां अक्सर जलभराव की समस्या पैदा हो जाती है। तो वहीं बात करें चांदपुर, बड़ौद, दरौला, बागपत, मेरठ, खेकड़ा, मोदीनगर, किठोर, गढ़मुक्तेश्वर, प्लखवा, हापुड़, गुलोटी, सियाना, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, जहांगीराबाद, अनूपशहर और आसपास के इलाकों की, तो यहां क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश देखने को मिलेगी। दिल्ली एनसीआर में बारिश के साथ आज तूफान का भी अलर्ट है। दिल्ली वालों को खास ध्यान रखने की जरूरत है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत में बारिश से मौसम में एक बार फिर से ठंडक महसूस होगी। हालांकि हालात शीतलहर जैसे नहीं होंगे, लेकिन ठंड पहले से थोड़ी ज्यादा लगेगी। तापमान में भी कोई खास बदलाव नहीं देखा जाएगा। आईएमडी का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस के एक्टिव होने की वजह से ये बारिश हो रही है। जाहिर है कि दिल्ली एनसीआर में वीकेंड में ही मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम के कई इलाकों में रात भर तेज बारिश होती रही। बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर के न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री तक की कमी देखने को मिली है। ऐसे मौसम में खास हिदायत है कि बच्चे बुजुर्गों का खास ध्यान रखा जाए, क्योंकि ऐसे मौसम में लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।